अरे जब तक गुरुजी आते हैं तब तक कोई खेल खेलते हैं। हाँ हाँ, जानवरों की बोली बोलने वाला खेल खेलते हैं। हाँ, पशु पक्षी सबकी बोली बोलने वाला गेम खेलते हैं। चलो सबसे पहले मैं बोलूंगा। अरे ये भी कोई बोली हुई? तो ये भी कोई बोली हुई? बोली तो बकरी की होती है। बच्चों, भाई तुम लोग कौन सा खेल खेल रहे थे आज? गुरुजी, हम जानवरों की बोली वाला खेल खेल रहे थे। अच्छा, जानवरों की बोली का खेल। भाई चलो हम भी तुम्हारे साथ ये खेल खेल लेते हैं। अच्छा, कौन कौन सी जानवर या पक्षी की बोली बोल रहा था? गुरुजी, बकरी। बकरी की बोलो जरा। मैं। वाह भाई, बहुत अच्छा बोला। अच्छा खैर, आगे पहले तुमसे मैं एक बात बता दूं। हमारे साथ देखो आचार्य जी आए, बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान हैं ये, और आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। स्वरों की उत्पत्ति भी कहा जाता है कि मोर, पशु, पक्षी इनकी आवाजों से ही हुई है। क्यों आचार्य जी? ऐसा है, ये गायन की दृष्टि से संगीतकारों ने लोक जीवन में रह करके और ये अनुभव किया कि हमारे पशु पक्षी कैसे बोलते हैं और उनमें कितना मिठास है। इन सब अनुभवों को उन्होंने नामकरण दे दिया कि भाई इन पशु और पक्षियों से स्वर की उत्पत्ति हुई और फिर उसको गाते हैं। अच्छा, इसमें कोई श्लोक भी है क्या? एक श्लोक है, लेकिन यह कोई प्रामाणिक नहीं है कि जो कहा जाए कि नहीं स्वर की उत्पत्ति इनसे ही हुई है। वो श्लोक क्या है मैं पढ़कर सुनाता हूँ। हाँ, बताइए बताइए। मयूर चातक छाग क्रौंच कोकिल दुर्दरा गजश्च सप्त षड्जादीन क्रमाद उच्चारयन्त्यमि। अर्थात इस मयूर, मोर, अभी कोई मोर की बोली बोल रहा था? कौन बोल रहा? मैं बोल रही थी। अच्छा, कैसा बोल रही थी? ये मोर की बोली। तो ये लोगों ने सुना तो अच्छा लगा मोर की बोली। अच्छा बेटा, एक बार फिर से बोलो जरा मोर की बोली। ये किस स्वर से मिल रही बताओ? सा स्वर से। हाँ, मोर की बोली सा स्वर किसे मिलती है? अभी कोई चातक की बोली बोल रहा था। चातक पपी है? बकरी की बोली बोल रहा था। हाँ हाँ आचार्य जी, मैं बोल रही थी। बोलो। बकरी की बोली। ये किससे मिलती है? माँ से मिलती है। हाँ, माँ से। तुमने पहले नहीं ध्यान दिया इन बातों पे। हाँ, तो आज बोल रहे हो। यही है कि मयूर, मोर, चातक, छाग, क्रौंच पक्षी, कोकिल, कोयल, दुर्दरा मेढक। सुनी आवाज? सुनी किसी मेढक की? मेढक कैसे बोलता है? कोई बोल के जरा बतावे। आप ही बोल के जरा बताइए। नहीं मालूम। ऐसे ही बोलता है ना कुछ? हाँ। तो मेढक की बोली किससे मिलती है जानते हो? धैवत धासे। सुनना मेढक की बोली और फिर सोचना है? और गजश्च गज। गज बने हाथी। हाँ, हाथी की बोली किससे मिलती है? नीसर से। हाँ बोलो जरा, कौन बोलेगा? कोई बोल पाएगा? मैं ही बताता हूँ। ऐसे ही बोलता है ना? तो नी से मिलती है। तो ये श्लोक है कि मयूर चातक छाग क्रौंच कोकिल दुर्दरा गजश्च, ये सात हो गए। इनको षड्जादीन और फिर षड्जादीन जो कहा सा रे गा मा पा ध नी सा, ये षड्जादीन क्रम से उच्चरित होते हैं। तो लोक व्यवहार में लोगों ने देखा कि ये बोलते हैं, ऐसा लोगों ने कह दिया अलंकारिक रूप में कि इनसे ही स्वर की उत्पत्ति हुई गायन की दृष्टि से। किसी भी बात के प्रमाण के लिए वेद को देखते हैं, वो हमारे वेद शाश्वत हैं और उनमें हम देखते हैं हर बातों की चर्चा वेदों में की गई है। वेद का नाम सुना है? हाँ हाँ आचार्य जी सुना। बताइए किसी वेद का नाम मालूम है? किसी? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद। सामवेद में संगीत शास्त्र की चर्चा है और सामवेद पूरा का पूरा गायन पर ही निर्भर है। सामवेद पर आधारित
जो नारदीय शिक्षा है, उस नारदीय शिक्षा में इस सप्त स्वरों के बारे में एक श्लोक आता है, उसे पढ़ा। सडश्च ऋषभश्चैव गांधारो मध्यमस्तथा पंचमो धैवतश्चैव निषादः सप्तम स्वर। सात स्वर के बारे में आचार्य जी ने बताया होगा, सारे गामा पाधा निसा, षडश, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, यही सात स्वर है। यही सात स्वर, इनको इस तरह से कहा, सदस्य ऋषभश्चैव गांधारो मध्यमस्तथा पंचमो धैवतश्चैव निषाद सप्तम। जरा गा के बताओ। नारदीय शिक्षा में अब इनको जरा गा के बताओ। गाया जाता है तो आवाज नाभि से निकाली जाती है। अब जैसे ये देख लो, ये ध्वनि, ये यंत्र अच्छा, है ना, गाओ देखो। ये एक बात समझो, ये यंत्र है, एक जगह हम दबाते हैं तो हवा को घर्षण होता है तब ध्वनि निकलती है। इसी तरह से नाभि से जो वायु को खींचते हैं तो नाभि से हुई, फिर उर से हुए, फिर कंठ से हुआ, सिर को होते इस तरह से जब ध्वनि से निकलता है तो उसमें जो गुंजायमान होता है उसी हिसाब से ये छह जगहों से होते हुए ध्वनिया आती हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा षड्ज। जैसे देखिए हम बोले, हम बता रहे हैं, बोलिए आप लोग बोलिए, यहाँ से खींचते हुए तब मुंह से निकालते हैं, है ना। अच्छा, ये बात अभी, और इन्हीं सब बातों को देखते हुए, चूंकि छह स्थानों से होते हुए इसका नाम दिया षड्ज। ऐसे ही हर को गांधार कहते हैं, नासिका से निकलती है, गंध को लाने वाली होती है। फिर ऐसे ऋषभ कहते हैं, वेद में तीन स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो जब गाते हैं तो उनमें कहीं ऊंचा करते हैं, कहीं स्वर नीचा करते हैं, कहीं से स्थाई आता है, तो उसी को उदात्तियों समझो, जो ऊंचे स्वर करते हैं। गा के जरा सा बताइए। यही उदात्त स्वर, ठीक। यानी स्वर को कभी जैसा गाना होता है, जिस तरह से आवश्यकता होती है, इन ध्वनियों को हम उदात्त बना लेते हैं। कभी किसी को अनुदात्त, अनुदात्त का मतलब नीचे स्वर में, यानी कि मंद्र सप्तक। हाँ, जो ऊंचे गए और फिर उसका विपरीत नीचे सप्तक, उसको नीचे आए अनुदात, यानी कि हम लोग का मंद्र सप्तक, ठीक। और तीसरी है स्वरित। स्वरित में न तो उदात्त होता है, उदात्त का मतलब क्या हुआ भाई? उदात्त मतलब तार सप्तक। तार सप्तक यानी ध्वनि ऊंचे जाएगी संगीत में। और अनुदात्त का क्या अर्थ हुआ? मध्यम मंद्र, मध्यम नहीं, मंद्र सप्तक नीचे वाला, मंद नीचे जो आएगा वो अनुदात हुआ। तो उदात अनुदात, जो स्वरित है वो मध्य में रहता है, न तो उदात होता है और न जहाँ पे हम लोग गाना बजाना करते हैं
वो मध्य सप्तक वही स्वरित है। इस तरह से देखते हो कि वही ध्वनि है, सात स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी सा। इनको कभी हम उदात्त बना लेते हैं और कभी यही अनुदात्त हो जाते हैं और कभी यही स्वरित हो जाते हैं। तो जहां जिस तरह का गायन होता है, जिस तरह का छंद होता है, जिस तरह की आवश्यकता होती है, उस तरह से इनका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन समझना चाहिए कि उदात्त अनुदात्त स्वरित, संक्षेप में इस बात को समझ लो कि यह धारणा गलत है कि स्वर की उत्पत्ति इन पशु और पक्षियों से हुई है। स्वर तीन मुख्य हैं और इन्हीं तीन मुख्य के बीच में उदात्त में दो स्वर, यही सारा जो सब है दैवत है, आ जाते हैं दो, और फिर मध्यम में दो आ जाते हैं, फिर स्वरित में तीन स्वर आ करके, इस तरह से सात स्वर ये और ये तीन मिलकर के सब स्वर के अंदर समाहित हो जाते हैं। आप लोग समझ गए ना, तो कितनी अच्छी बात बताया जा रही है। चलिए अब हम लोग जो है एक अलंकार गाते हैं, फिर क्लास समाप्त हो जाएगा। चलो।